कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से पूरे देश में खुशी का माहौल है। ऐसे में सभी लोग बेताब हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज सुनने के लिए। देश में इतना बड़ा बदलाव आया है तो प्रधानमंत्री का इस पर क्या कुछ कहना है वो जानने के लिए सभी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और पुनर्गठन बिल पर सरकार का पक्ष भी रख सकते हैं। इस दौरान ये भी तय है कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के मद्देनजर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मन की बात के सहारे अक्सर ही देश को संबोधित करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में देश पलके बिछाए उस मौके का इंतजार कर रहा है। काफी अड़चनों के बाद ये बात सामने आई कि प्रधानमंत्री आखिरकार आज रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश पेश करेंगे। मजे की बात यह है कि 8वें महीने की 8 तारीख को रात 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन लोगों को जहां एक तरफ उत्सुकता से भर रहा है, तो वहीं इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि साल 2016 में नवंबर की 8 तारीख को रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया गया था, जिससे एक ही झटके में 500 और 1000 के नोटों को महज कागज करार दिया था। अब जब एक बार फिर प्रधानमंत्री देश के सामने रात 8 बजे ही आ रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर भी नमो नमो के जयकारे लगने शुरू हो गए हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, मित्रों आज रात फिर 8 बजे, तो आप भी तैयार हो जाइए आज रात प्रधानमंत्री के भाषण के लिए ठीक 8 बजे। देखना होगा कि इस बार क्या नया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।